ये हर आदमी जानता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच प्रो नेशन है। अब राहुल गांधी जी कुछ भी कहे, वो कहे कि भाई आप बड़े लोगों को दे रहे, देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसा अलग बात है। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। ही इज ए कंप्लीटली कोर ऑनेस्ट पर्सन। कोर मतलब ये कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो उनके दिमाग में है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो। अभी आपको शायद पता नहीं, जितने भी उनके जो उनको जब फॉरेन ट्रिप करते हैं तो मोमेंटो मिलते हैं, शॉल मिलते हैं, उसको सारा उन्होंने सेल आउट किया, ऑक्शन कर दिया, एंड द मनी हैज गॉन टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब जिस आदमी को अपना, भाई मुझे अगर शॉल मिलेगा आप दोगे तो मैं चाहूंगा मैं अपने पास रखूं। भाई मेरी सोच है, मैं आई एम वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट इन सेइंग दैट, मैं अपना जो मुझे मोमेंटो मिलते हैं मैं घर में सजाना चाहता हूं। हमने देखा जाके, मैं खुद गया ऑक्शन में, मैंने कहा ये तलवार मिली है किसी को, वो मिला बर्मा गया, कुछ मिला, वो आदमी को अपने लिए कुछ रखना ही नहीं है। मतलब वो इमोशनल लेस हो गया एक तरह से। भाई अगर आप मुझे अगर माला पहनाओगे तो मैं सोचा एक दिन घर लेगा, पापा को दिखा दूं, मम्मी को दिखा दूं, अपने घर में सजा दूं, तो वो उनमें नहीं है। तो जो आदमी, जो व्यक्ति जो किसी को लालच ही नहीं है, उसको अपने सामान जो खुद को मिला है वो तब ऑक्शन कर दिया, अपनी सैलरी पूरी उन्होंने दान कर दी। अगर किसी का, किसी पार्टी ने या किसी व्यक्ति ने या किसी सॉरी किसी कॉर्पोरेट हाउस में उनके इलेक्शन में हेल्प करी तो क्या बुराई क्या है, व्हाट इज रॉन्ग? बस समबडी हैज टू, पैसा नहीं है उनके पास, अगर किसी ने कर दिया तो कर दिया। अगर मैं आया हूं यहां पे तो मेरी फ्लाइट मैंने कराई, बुक कराई, तो उसमें क्या बुराई है? तो एक व्यक्ति जो अपने लिए कुछ नहीं करता और वो इस समय प्रधानमंत्री है देश का, तो हम तो सोचते हैं कि देश अच्छी जगह जाएगा और देश का प्रगति होगी, वहीं से प्रेरणा।